मध्य प्रदेश के झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली है। हाल ही में बीजेपी सांसद दिलीप भूरिया की मौत के बाद खाली हुई लोकसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया की किस्मत चमक गई है। उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी की उम्मीदवार और दिलीप सिंह भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। 2014 में इसी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया बीजेपी के दिलीप भूरिया से 1.25 लाख मतों से हार गए थे। हालांकि कुछ राउंड की मतगणना के दौरान कांतिलाल भूरिया ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग कलेक्टर की कॉल डिटेल की जांच कराए। उधर देवास विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार गायत्री राजे ने जीत दर्ज की है। दोनों सीटों पर 21 नवंबर को वोटिंग हुई थी। लोकसभा सीट पर हार से बीजेपी के साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी करारा झटका लगा है। शिवराज ने पिछले 6 दिनों में झाबुआ में 27 रैलियां कर बीजेपी की जीत की इबादत लिखने की जीतोड़ कोशिश की थी।